নমস্কার, দেখছেন আর ভয়েস নিউজ 24x7। সাথে রয়েছি আমি বিশাখা দাস। শিলিগুড়ির গুলমা চা বাগান এলাকার দুস্থ চা শ্রমিকদের কম্বল তুলে দিল রোটারি ক্লাব শিলিগুড়ি, মিড টাউন ও ইনার হুইল ক্লাব। একই সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাব। এদিন ক্লাবের সদস্যরা গুলমা চা বাগান এলাকায় পৌঁছে এলাকার 100 বেশি শ্রমিক পরিবারের হাতে এই কম্বলগুলি তুলে দেয়। কম্বল তুলে দেওয়াই নয়, একই সাথে এলাকার দুস্থ মানুষদের জন্য এদিন খাবারের ব্যবস্থাও করা হয় আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে দুস্থ শ্রমিকদের হাতে কম্বলগুলি তুলে দেন রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ির মিড টাউনের সভাপতি প্রবীণ আগরওয়াল, ইনার হুইল ক্লাব শিলিগুড়ি মিড টাউনের সভাপতি ববিতা আগরওয়াল এবং শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক অংশুমান চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক সব্যসাচী ভট্টাচার্য সহ জার্নালিস্ট ক্লাবের কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ভয়েস। भी था हम लोग का, कुछ कर दीजिए, घर ठीक नहीं है, खाना नहीं है, ये है प्रॉब्लम बगन में। तो हम लोग बातचीत किया, बातचीत करने के बाद तो इन्होंने जो आप लोगों का पिछले 5 साल से कर मतलब कोई नहीं बोला भी, बोलने के बाद सब एक साथ मिलके प्रोग्राम जो आयोजित किया है इसके लिए इनका धन्यवाद। रोटरी क्लब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं पहले से जानता हूँ। ये काफ़ी समय से ये समाज सेवा के काम कर रहे हैं और गुलमा चाय बागान हमारे लिए कोई, जैसा अंशुदा ने कहा, कोई नया जगह नहीं है। हम काफ़ी बार इसमें आए हैं और यहाँ के जो मौसम में इनके जो आज ज़रूरत की चीज़ है, ये कंबल काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए भी है और काफ़ी सराहनीय काम है और ऐसा काम ये करते रहेंगे और हम लोग इनका मदद करते जाएंगे। বাসন্তী গুরু দেখুন, আমরা সাংবাদিকতা করি, বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। আমরা বিশেষ করে চা বাগান অঞ্চলগুলোতে আসি, শীতের সময় তারা কী কষ্ট করে থাকে, তাদের একটা গরম পোশাক নেই, কম্বল নেই। তা রোটারি ক্লাব এবং ইনার হুইল ক্লাব এরা যৌথভাবে আমাদের কাছে প্রস্তাব দেয়, আমরা সম্মতি জানাই। তারপরে এই বিভিন্ন এই যে জায়গাটা, যে মোহরগাঁও গুলমার চা বাগান চা শ্রমিকদের যেভাবে আজকে কম্বল দেওয়া হলো, সত্যি প্রশংসনীয়। এবং আজকে প্রায় 150 মতন লোককে কিন্তু কম্বল দেওয়া হলো, শুধু কম্বলেই দিয়ে কিন্তু ওনারা ক্লান্ত থাকেননি। একই সঙ্গে প্রায় 300-400 জন লোক, যেখানে বাগানের কর্মচারীরা আছেন, তাদেরকে কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবেই ওনারা যেরকম যাচ্ছেন, আমরাও আমরা ক্লাবের তরফ থেকে যত সম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো। শুধু আজকে নয়, আগামীতেও আমরা থাকবো, আমরা যৌথভাবে অনেক কাজ করব। বিভিন্ন যে গরিব দুস্থ লোকেদের পাশে যেভাবে দাঁড়াতে হয়, সেভাবে দাঁড়ানোর জন্য এনাদের সঙ্গে আমরাও কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। हम लोग का कार्यक्रम का उद्देश्य बस इतना ही है कि गरीबों में खाना, ठंड के कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, और आगे भी सोचते हैं कि ये करते रहेंगे हम लोग, जहाँ तक कोशिश है हमारी ये बनी रहेगी। हम लोगों ने 125 लोगों को कंबल बांटे हैं और 350 से 400 जन को हम लोग फूड पैकेट बांटेंगे। हाँ हाँ, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। हम लोग आज तक करते आए हैं और करते रहेंगे। मेरा नाम विनीता अग्रवाल, इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन की प्रेसिडेंट। आज हम लोग यहाँ पर गुलमा टी स्टेट में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब और इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन और रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन, तीन दोनों जन मिल के आज हम यहाँ एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और रोटरी आहार सेवा, जो कि इनर व्हील की तरफ से आज है, इसका आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग 125 जन को ब्लैंकेट्स और 350 से 400 जन को भोजन देने का कार्यक्रम है आज हमारा यहाँ। हाँ जी, आज हमारे साथ में यहाँ पर इस प्रोग्राम के एसोसिएशन में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब है और इनर व्हील सिलीगुड़ी मिड टाउन है।
चाय बगान में? देखिए चाय बगान में यहाँ पर क्या है, काफ़ी गरीब लोग हैं और बुजुर्ग लोग काफ़ी हैं, तो ये ठंड के टाइम में हम लोग सोच रहे हैं कि इनको जो है ना ब्लैंकेट वगैरह दिया जाए। शहर में तो देखो सबको मिल जाता है, लेकिन दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण इलाके में जल्दी से कोई पहुंच नहीं पाता, तो इस बोल के हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मेरा नाम रोटेरियन प्रवीण अग्रवाल, प्रेसिडेंट सिलीगुड़ी रोटरी क्लब सिलीगुड़ी मिड टाउन।